Welcome to the show, UK Immigration Law with Tariq. Aapko pata hai ki Venus 805 pe ye show we bring for you every Wednesday 6 PM. Aur show ka format aapko pata chal gaya hoga ki agar aapka immigration ka koi bhi masla hai, aap show mein call kar sakte hain. Hum puri koshish karenge ki aapko aisi information dein jo aapke liye fayda mand sabit ho. Phir show ke duran I think contact details bhi aate hain ki agar main kisi cheez ka detail mein jawab nahi de sakta to aap contact bhi kar sakte hain. एंड अगेन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप कॉल करते हैं आप अपना सवाल मुझसे पूछ लीजिए कॉल के दौरान और फिर आप फ़ोन रख दीजिए एंड फिर टीवी पे मेरा जवाब सुन लीजिए तो वो फिर सारों के लिए फ़ायदेमंद होगा देन यू विल नॉट हैव टू बी होल्डिंग ऑन सो मेरे ख्याल से हम पहले कॉलर की तरफ चलते हैं हेलो आई थिंक उनकी लाइन ड्रॉप हो गई इससे पहले मैं एक और कॉलर जो वेट कर रहे हैं मैं उनकी कॉल लूँ मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ जो मैंने थोड़ी सी शुरू की थी लास्ट वीक तो मुझे अब थोड़ा सा मौका मिल गया है तो मैं उसको लेना चाहता हूँ अभी टाइम को हमने थोड़ा सा जिक्र किया था फ्रेश क्लेम इन सेक्शन 120 के बेसिस पे बिकॉज बात यहाँ से शुरू हुई थी कि अब ह्यूमन राइट एप्लीकेशंस या कोई भी आप एप्लीकेशन आउटसाइड ऑफ इमिग्रेशन रूल अगर डालना चाहें तो उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी है बिकॉज होम ऑफिस ने अपनी फीस बढ़ा दी है पर एप्लीकेंट और ऑन टॉप ऑफ दैट उनको IHS जो कि इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज है वो पे करना पड़ता है और मैंने देखा है काफ़ी लोगों में कि उन्होंने एक ज़माने में कोई एप्लीकेशन डाली थी और फिर उसके बाद कुछ अरसे तक होम ऑफिस से अपना कोई ताल्लुक नहीं रखा और काफ़ी देर बाद अब वो दोबारा कोई एप्लीकेशन डालना चाहते हैं एंड फॉर सम ऑड रीज़न कुछ की ये अंडरस्टैंडिंग है कि जी हमें दोबारा से फीस दे के नई एप्लीकेशन डालनी चाहिए अगेन ऑफ कोर्स जनरली यही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लेकिन पहले आप ये देख लें कि आप फर्दर सबमिशन के लिए क्वालिफाई करते हैं या नहीं एक इमिग्रेशन रूल की ये रिक्वायरमेंट है फर्दर सबमिशन अगर आप फर्दर सबमिशन के लिए क्वालिफाई करते हैं तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको ये सारी एप्लीकेशन कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगेन मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊंगा कि फर्दर सबमिशन के लिए कौन क्वालिफाई करता है नहीं बट मोटा यही है कि अगर आपने कभी एप्लीकेशन ह्यूमन राइट्स या असाइलम का डाला है और आपने अपनी सारी अपील राइट्स और एक्सेट्रा एग्जॉस्ट कर ली हैं और कोई आपके पास ऐसा एविडेंस है जो पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कंसिडर नहीं किया तो यू कैन मेक अ क्लेम अंडर फ्रेश सबमिशन और आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कह सकते हैं कि जी मेरी एप्लीकेशन को रिकन्सिडर किया जाए जो अच्छी बात है फर्दर सबमिशन की जो इमिग्रेशन रूल के अंदर आती है कि जब तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपकी फर्दर सबमिशन को देख रहे हैं या जब तक उसकी असेसमेंट कर रहे हैं दे डू आपको कोई रिमूव नहीं कर सकता बिकॉज योर फर्दर सबमिशंस आर पेंडिंग विद द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो फ़ायदा इसमें यह है कि कम अज़ कम आपको एप्लीकेशन कॉस्ट नहीं पड़ेगी लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पहले कोई ना कोई क्लेम आपने डाला हो फिर बात करते हैं सेक्शन 120 की जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वन स्टॉप नोटिस जिसको आप कहता है होता ये है कि अगर आपका केस सारा एग्जॉस्ट हो गया है और आपको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट खत लिखता है और कहता है कि जी अगर जो अक्सर देखने में आया अगेन उनकी डिस्क्रेशन होती है वो खत में लिख के ये बोलते हैं कि जी अब आपका केस एग्जॉस्ट हो गया है आप बताना चाहें कोई एडिशनल ग्राउंड्स हमें जिसकी बेसिस पे आप इस कंट्री के अंदर रहना चाहते हैं तो फिर हम आपको रिकंसिडर कर लेंगे लेकिन अगेन वो एडिशनल ग्राउंड्स शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल एप्लीकेशन लेकिन ज़्यादातर सेक्शन 120 इशू करते हैं जब इंटेंशन टू रिमूव की बारी आती है सो अगेन ये वो तरीके हैं जिनसे आपकी कॉस्ट बच सकती है एप्लीकेशन की बट अगेन ये केस बाय केस है मकसद था सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने का अगेन आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने कॉल का वेट किया लेकिन आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन देनी ज़रा इंपॉर्टेंट थी लोगों को बिकॉज एवरी वीक जो मैंने देखा है प्रैक्टिस में भी कि लोग काफ़ी पैसे लगा देते हैं नई एप्लीकेशन डालने में स्पेशली अगर उनका पुराना कोई केस एक ज़माने में रहा हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन पॉसिबिलिटीज़ को देख लें कि फर्दर सबमिशन फ्रेश क्लेम यानी कि या सेक्शन 120 के तहत आप कुछ कर सकते हैं यानी ताकि आपकी कॉस्ट बच सके अगेन ये केस बाय केस डिपेंड करता है कॉलर की तरफ चलते हैं थैंक यू सो मच आपने वेट किया हेलो नो प्रॉब्लम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सर मैंने अपने वाइफ के लिए अप्लाई किया था पाकिस्तान से ना सपोज जी तो वो नवंबर में किया था तो वो 12 वीक्स के मिडल में ना फोन कॉल आई थी इमिग्रेशन से मुझे भी और मेरी वाइफ को भी जी तो उसमें मैं मतलब एक दो नेम फैमिली के नेम पूछे उन्होंने तो मुझसे वो याद नहीं रहा जॉब पे था मैंने उसको कहा भी मैं जॉब पे हूँ तो ऑलरेडी टू मच प्रेशर ऑन मी तो उसने स्टिल कैरी ऑन किया तो उसी बेस पे वो मुझसे मतलब क्वेश्चन सही नहीं नाम नहीं मुझे याद था मैंने कहा याद नहीं है तो उसी बेस पे उसने रिफ्यूज करके भेज दिया कि
आपकी कम्युनिकेशन सही नहीं है वाइफ के साथ। जी और साथ उन्होंने वो भी एक और भी इल्ज़ाम लगा दिया कि आपके व्हाट्सअप के कम्युनिकेशन के मैसेजेस कम हैं दोनों के, हालांकि वो मैंने 6 मंथ के भेजे थे। तो अभी अपील की है, मुझे राइट दिया था अपील का। मेरा क्वेश्चन है कि अभी वो अपील में क्या होगा, कितना टाइम लगेगा? और ठीक है जी, अगर थैंक यू सो मच जी, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। इट वॉज यहाँ तक तो मुझे समझ आ गई कि आपकी एप्लीकेशन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दी। अब आपको पता है कि जो आपकी अपील होती है वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर है। इन अदर वर्ड्स, जो आप अपनी अपील जाके फर्स्ट स्टेज ट्रिब्यूनल में लड़ेंगे वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर होगी। आप उसके ऊपर इमिग्रेशन के कवानीन का जिक्र नहीं कर सकते, बट रादर आप ह्यूमन राइट्स को फॉलो करेंगे। आई एम प्रीटी श्योर आपके लॉयर्स ने आपको ये बात समझा दी होगी। जहाँ तक वेटिंग पीरियड की बात है, वो इस वक्त ट्रिब्यूनल पर डिपेंड करता है, बट एनी वे फ्रॉम 8 to 9 months लग रहे हैं इस वक्त अपील को लिस्ट होने में। आप दो और काम बीच में कर सकते हैं, एक थोड़ा कॉस्टली है लेकिन ये आपकी मर्ज़ी है। एक काम आप ये कर सकते हैं कि वाइल आपकी अपील फर्स्ट स्टेज ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है, आप नई एप्लीकेशन भी डाल सकते हैं और आप उसमें सारा अपना जवाब दे दें कि क्यों आपसे गलतियां हो गई, एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रिक्वेस्ट करें कि वीज़ा इशू कर दें आपकी वाइफ को, और अगर उन्होंने वीज़ा इशू कर दिया आप अपनी अपील को फर्स्ट स्टेज ट्रिब्यूनल से विदड्रॉ कर लेंगे। कॉस्टली ये है कि जारी बात है आपको दोबारा सारी एप्लीकेशन फ़ीस देनी पड़ेगी, जो एज़ यू नो थोड़ी ज़्यादा है, बट दैट इज़ एन ऑप्शन यू हैव। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इनसे रिकंसिड्रेशन की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिसको हम एंट्री क्लियरेंस मैनेजर रिव्यू बोलते हैं। वो वैसे भी वो लोग करेंगे हेयरिंग से पहले, आप उनको पुश करें कि ज़रा ज़्यादा जल्दी कर दें, आई डोंट नो उनके पास टाइम है या नहीं, लेकिन हेयरिंग से पहले वो ज़रूर एक दफ़ा रिव्यू करेंगे अपने डिसीजन को। सो वो फिर आपको वेट करना पड़ेगा 6-7 महीने तक, क्योंकि जब हेयरिंग डेट आएगी उसके बाद वो रिव्यू करते हैं नॉर्मली, तो शायद वो आपको हेयरिंग से पहले यस कर दें, डिपेंडिंग ऑन द डॉक्यूमेंटेशन जो आप अपील में जमा कराएंगे। बट लॉट ऑफ पीपल आई नो वो जब अपील उनकी पेंडिंग हो वो नई एप्लीकेशन भी डाल देते हैं। आई नो इट्स कॉस्टली बट दैट्स वन वे ऑफ गेटिंग अराउंड इट। जहाँ तक आपने बात की टाइम की, वो मैंने आपको अर्ज़ कर दिया है कि इस वक्त रफली ट्रिब्यूनल इज टेकिंग 8 to 9 months लिस्ट करने के लिए एंट्री क्लियरेंस एप्लीकेशन। इट कुड बी अर्लियर, लेकिन मैं आपको गेस्टिमेट बता रहा हूँ कि इस वक्त क्या चल रहा है। थैंक यू फॉर योर फोन कॉल। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो Hello. Hello. Hello, hiya. Yes. Yeah. Then, अच्छा मैंने क्वेश्चन करना था जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप टीवी पे ना देखें, मुझसे सवाल पूछ लें और जवाब आप टीवी पे सुन लें। जी जी। अच्छा मैं यहाँ पे स्टूडेंट आया था 2011 में जी। तो यहाँ पे आके मैंने फिर मेरा कॉलेज बंद हो गया और FLRO डाला था, ठीक है। FLRO मेरा वहाँ पे रिजेक्ट हो गया, ठीक है ना, अपील में जी। तो मैंने यहाँ पे मैक्सिमम 3-4 माह और स्पेंड करने हैं, तो इसके लिए कोई ऑप्शन हो सकता है कि मैं FLRO को एक्सटेंड कर सकूँ या उसको हाई कोर्ट में लेके जा सकूँ? जी मैं आपको जवाब देने की कोशिश करता हूँ जी। जी थैंक यू। देखें, लोग बड़ा ईजिली बोल देते हैं कि जी हाई कोर्ट में हम एप्लीकेशन डाल सकते हैं या नहीं। ऑफ कोर्स आप डाल सकते हैं, वो आपका राइट है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप वो एप्लीकेशन, जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशन डालें। और अब हाई कोर्ट नहीं, अपर ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन डलती हैं इमिग्रेशन की, बट दोज आर स्टिल जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशन। वो डाल लें जिनमें कोई मेरिट है। अगर आप मेरिट के बगैर अपना केस डालेंगे तो जारी बात है आप हारेंगे, लेकिन प्लीज़ आप जुडिशियल रिव्यू में वो एप्लीकेशन डालें जिनके अंदर मेरिट है। तो आया आपके केस के अंदर मेरिट है या नहीं, वो बताया सिर्फ जा सकता है आपका रिफ्यूज़ल पढ़ के। जहाँ तक बात आती है कि जी मुझे 2 से 3 महीने चाहिए, वो सारा डिपेंड करता है आपके इंडिविजुअल सर्कमस्टांसिस पे कि आपकी एप्लीकेशन किस स्टेज पे थी, मतलब अपील प्रोसेस किस स्टेज पे है। बिकॉज सारी बात है, अब जितना अपील्स को आगे लेके जाएंगे उतना आपका टाइम फ्रेम बढ़ता जाएगा, लेकिन अगेन मेरिट के ऊपर वो आता है। सो अनलेस एंड अंटिल कोई आपका एक्चुअल केस पढ़ ले, आई डोंट थिंक कि समबडी कुछ से कि जी किन बेसिस के ऊपर मैं यहाँ इतना ज़्यादा रह सकता हूँ 3 to 4 महीने। लेकिन अगर आपका अपील प्रोसेस चलता रहेगा तो ऑफकोर्स आपको इस कंट्री से कोई जाने को नहीं बोलेगा। अगेन सिर्फ उस सूरत में अपील डालें अगर उसके अंदर मेरिट है, और अपने एक्चुअल केस दिखा के किसी से एडवाइस लें। दैट्स द ओनली थिंग आई कुड से टू यू। थैंक यू फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं सैयद अज़हर अब्बास बात कर रहा हूँ। मैंने आपसे कुछ पूछना था जी। अज़हर आप पूछें जी। ऐसे है कि मैं लास्ट ईयर अगस्त में मुझे पकड़ लिया था इमिग्रेशन ने जी।
तो मैंने असाइलम का केस डाला था जी। मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मैं जब इस कंट्री में आया हूँ तो मैं बीमार हो गया था आते ही जी। मैं अपने वीजे में बीमार हो गया था, जिसकी वजह से मैंने अपना मेडिकल चेकअप करवाया। उन्होंने कहा जी आपको हेपेटाइटिस सी है। ओके सॉरी टू हियर दैट जी। जी मेरा इलाज चलता रहा तकरीबन 2015 तक जी। तो इसी दौरान इन्होंने मुझे पकड़ लिया। इन्होंने कहा जी आपने कोई केस नहीं डाला, इनलीगल रह रहे हैं जी। तो मैंने यहाँ पर असाइलम केस अप्लाई किया। एक महीना इन्होंने मुझे डिटेन किया, उसके बाद छोड़ दिया। और इन्होंने कहा कि आप जो है मेन इंटरव्यू के लिए हम आपको लेटर लिखेंगे जी। इन्होंने मुझे मेन इंटरव्यू के लिए लेटर लिखा। मैं बीमार था, मैंने अपना मेडिकल भेजा जी। इन्होंने फिर नेक्स्ट डेट दी बड़ी अर्ली जी। मैंने दोबारा मेडिकल भेजा। तकरीबन एक महीने के बाद इन्होंने कहा जी हमने आपका, हमें कोई लेटर नहीं मिला आपका, आपने कोई एविडेंस नहीं दिया कि आपको क्या मसला था, आप क्यों नहीं आए, इसलिए हम केस विदड्रॉन कर रहे हैं। ठीक है। मैं उसके बावजूद साइन पे जा रहा हूँ जी, लेकिन मैं अपने सोलिसिटर से भी बात करता हूँ, वो कह रहा है जी मैंने उन्हें लेटर लिखे हैं जी, लेकिन मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं मिल रहा। ठीक है, आप मेरे से क्या चाहते हैं ये बता दें। मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरा जेन्युइन केस है, मैं असाइलम सीकर हूँ। मुझे आप ये बता दें आपको आपको किस बात से जान का खतरा है। जी मैं शिया मुस्लिम हूँ। ओके चल ठीक है। लाहौर में हमारा एक मरकजी घर है, उस फैमिली से मेरा तल्लुक है। नहीं नहीं, वो इतना मुझे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, केस के लिए कुछ बहुत लंबी बात हो जाएगी। मैं आपको आपके ऑप्शंस बता देता हूँ जी जी, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, एंड देन यू कैन टेक मैटर्स फ्रॉम देयर। ठीक है, थैंक यू फॉर योर कॉल। आई थिंक आपका सवाल था कि जो मुझे समरी आपकी समझ आई है कि आपने असाइलम किया और जब इंटरव्यू की बारी आई किसी वजह से आप नहीं जा सके, आपने इन्फॉर्म भी किया आपके वकील ने उनको, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी हमने विदड्रॉन कर दिया असाइलम। बड़ा सिंपल है, आपके पास दो तरीके हैं इस वक्त। या तो आप वेट करें, क्योंकि आपके वकील ने कहा कि हमने उनको खत लिखा है, लेकिन नॉर्मली होता है कि एक दफ़ा जब उनके सिस्टम पर विदड्रॉन हो जाए केस तो बड़ा मुश्किल होता है उसको इसी तरह रीओपन करना। बेहतर ये है कि वो दोबारा से क्रॉयडन फ़ोन करके आपके लिए असाइलम इंटरव्यू बुक करने की कोशिश करें। जब आप नए तरीके से असाइलम बुक करने की कोशिश करेंगे तो वो एकदम आपस में बातचीत शुरू हो जाएगी उनकी डिपार्टमेंट्स की कि जी लास्ट टाइम क्यों विड्रॉ हुआ था। उससे होगा ये कि आपका केस ऊपर आ जाएगा, तो या तो वो आपको किसी नए डिपार्टमेंट लिवरपूल भेज देंगे या क्रॉयडन ही बुला लेंगे नए इंटरव्यू के लिए। तो इंस्टेड ऑफ़ कि अगर आप वेट नहीं करना चाहते तो बेहतर ये है कि आप अपने वकील से रिक्वेस्ट करें कि जी मुझे नया बुक कर दें, बिकॉज होम ऑफिस के रिकॉर्ड्स में पुराना असाइलम विड्रॉन हो गया। उसको वापस रीओपन करने में काफ़ी जान लगती है, बट आई डोंट नो, वो आप अपने वकील से मशवरा करें। जहाँ तक बात है मेरिट की केस के, जिस तरह मैंने आपको अर्ज़ किया कि शो का मकसद है आपको इन्फॉर्मेशन देना, अगर आपने पेसिफिक केस के बारे में डिस्कशन करनी है तो डिटेल्स आती हैं कॉन्टैक्ट, बट शो के अंदर इट्स ओनली द पर्पस इज़ टू गिव यू इन्फॉर्मेशन, डायरेक्शन आपको दी जाए ताकि आप मुतमईन हो एंड होपफुली मंजिल तक पहुंच सके। मुझे बताया जाता है कि अब ब्रेक का टाइम है, इंशाल्लाह आई विल सी यू ऑन द अदर एंड ऑफ द ब्रेक।